हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस टीचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे हम 2 मीटर कपड़े से घेरदार प्लाजो बनाना, जिसके लिए हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है। ये हमारा कॉटन का कपड़ा है। सबसे पहले कपड़े को 2 तह में बिछा के और यहाँ से कमर का नाप डालिए। आपकी जितनी भी कमर है, जैसे 40 है कमर, तो 40 का चौथा हिस्सा आता है 10 इंच, और 10 में हमने 3 इंच और ऐड कर लिया है सिलाई मार्जिन समेत। अब यहाँ से भी दूसरी साइड से भी हम 13 इंच पर ही निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को ऐसे तिरछा करके एक दूसरे से अटैच कर देंगे। ध्यान रखें, आप कपड़े को 2 तह में बिछा के 2 तह गिन लीजिए। अब एक साइड पे इधर अपनी कमर का चौथा हिस्सा और उसमें 3 इंच ज़्यादा। कमर 36 है तो 9 आएगा, 9 में 3 इंच ऐड कर लीजिए। कमर 40 है तो उसका भी चौथा हिस्सा निकाल के, 40 का चौथा हिस्सा 10 आता है, उसमें भी 3 इंच ऐड कर लीजिए जैसे मैंने किया है। अब इसको तिरछा ही कट कर देंगे। सिर्फ हमने कमर का ही निशान लगाया है, हमने इसमें कोई और दूसरा निशान नहीं लगाया है। अब देखिए ये पार्ट उठा के और बिल्कुल जैसे इसका डायरेक्शन है ऐसे ही मिलाना है, यानी जो सीधी साइड है उससे सीधा करना है और जो ये कोना निकला हुआ है उसे कोने से मिलाना है। इस तरीके से इसको अच्छे से सीधा कर लीजिए बराबर करके, ठीक है। यहाँ से आप अच्छे से बराबर करके सीधा कर लेंगी तो आपका जो कटिंग है वो और भी अच्छे तरीके से इजी हो जाएगा। चारों पार्ट को एक दूसरे से अटैच करके अब 2 इंच ऊपर बेल्ट का निकाल के, अब आपकी जितनी भी लंबाई है, जैसे मेरी 40 है इसकी लंबाई, और मैं इसमें मार्जिन भी ले लूँगी 1-1 इंच का, जो कि हम नीचे मोड़ेंगे इसको। 1 से 2 इंच तक का मार्जिन आप ले सकती हैं। तो 40 प्रॉपर तैयार है ये, और इसमें 2 इंच के ऊपर बेल्ट आ जाएगी। तो ऐसे हम ये निशान पूरे में लगा देंगे, 2-2 इंच छोड़ के। इस तरीके से यहाँ से पूरे में निशान लगा के इसको सीधा कर लेंगे हम। ये देखिए, अब इन सभी निशानों को हम एक दूसरे से अटैच करके सीधा कर लेंगे। अब आसन का निशान लगाएंगे। आसन का 2 इंच निकाल के 15 इंच पे लगाया है मैंने। अगर आप हेल्दी हो तो इस निशान को आप 16 इंच पे लगाइए, और यहाँ से हल्का सा लेके और नीचे से मैंने लगभग 1 इंच पे और ऐसे थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। ये आसन है, ये किनारी वाला पार्ट मैं पूरा ही निकाल दूंगी। इसमें मैंने 2 इंच का मार्जिन भी बढ़ा दिया है 40 से अलग। अब मैं उसी मार्जिन और जो नीचे कपड़ा बचेगा उसमें से हम अपनी 2 इंच की बेल्ट निकाल देंगे। तो 2 मीटर कपड़े से हमारा पूरा सब कुछ बन के तैयार हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि जो किनारी वाला पार्ट है, अब यहाँ से ये जो कोने वाला पार्ट है इसको भी थोड़ा सा कम करेंगे। मतलब पूरा कोना नहीं निकालना है, वो तो खैर जब हम गोलाई देते हैं वो कोना खुद ही हट जाता है, जैसा हम कटिंग करते टाइम देख रहे थे। क्योंकि जब लंबाई हम कम करते हैं, अब इस आसन को भी कट कर देंगे। यहाँ से ऊपर तक इसको पूरा किनारी वाला पार्ट में निकाल दूंगी। अब आपको आसन वाली साइड बंद मिलेंगी तो उनको आप खोल लें। तो ये देखिए, ये हमारे पास 2 पार्ट आ गए हैं। 2 पार्ट इधर हैं, 2 पार्ट इधर हैं, तो टोटल ये हमारे 4 पार्ट हैं अगर गिने, क्योंकि हमने 2 तह में कपड़ा रखा था। 2 पार्ट इधर से निकले, 2 पार्ट इधर से निकले। अब सबसे पहले हम इनका आसन वाला साइड छोड़ के और जो इसका ये तिरछा वाला साइड है वो सिल लेंगे। आसन वाली साइड से अभी नहीं सिलना है, पहले जो आपको जो सीधा साइड दिख रहा है उसको सिलें। अभी जो नीचे से कपड़ा बचा था उसमें से बेल्ट निकालेंगे। तो इसमें से बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे 4 इंच पे, क्योंकि 2 इंच की हमें बेल्ट चाहिए। तो जब बेल्ट को हम मोड़ेंगे तो हमारी 2 इंच रह जाएगी। तो इसको ऐसे सीधा पट्टी कट कर लेंगे, इसी में से जोड़ लगा लेंगे अगर कम पड़ेगी तो। इस तरीके से 2 की रह जाएगी वो। अब हम सिलेंगे। तो सिलाई कैसे करनी, आसन वाला साइड छोड़ के जो तिरछा साइड था उसको सिलेंगे, ठीक है। दोनों पार्ट में सिलना है, और सीधी साइड से रख लें कपड़े को और उल्टी साइड को सिलाई लगाएं। सीधी साइड एक दूसरे के सामने सामने होनी चाहिए। अब पूरे पे हम सिलाई लगाएंगे नीचे तक। नीचे तक सिलाई लगाने के बाद अब ये देखिए, ये हमने जोड़ लिया है। अब इसका हम दूसरा पार्ट भी सेम जोड़ लेंगे, तो वो भी हमने जोड़ लिया है। अब दोनों का हम आसन एक दूसरे के मतलब आमने सामने रख के जोड़ देंगे। दोनों पार्ट को अब एक साथ अटैच कर रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से इस आसन को भी हम पूरा सिल देंगे और इसके दूसरे वाले आसन को भी सिल देंगे। और जो हमने बेल्ट के लिए कपड़ा लिया था, पहले नीचे से बॉटम को मोड़ के हम पूरा फिटिंग वगैरह दे लेंगे आसन जोड़ने के बाद, फिर उसके बाद बेल्ट लगाएंगे इसमें। अब ये दूसरा आसन सेम सिलेंगे, और इसकी कुर्ती भी हमने बनाई है, वो भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। ये पूरा हमने ड्रेस बनाया है। अब ये देखिए, यहाँ तक सिल गया हमारा।
अभी ये देखिए दोनों आसन वाली साइड मिल गई, ये कमर वाला हिस्सा हो गया। अब जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था बॉटम में यानी कि घेरे में, उसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे। पहले हम 1 इंच और फिर 1 इंच और, तो टोटल 2 इंच कपड़ा हम इसके अंदर मोड़ के नीचे के बॉटम को हम अच्छे से सिल लेंगे। ये देखिए एक ही बार सिलेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और कॉटन का जो बॉटम होता है उसको मोड़ के ही तैयार करें, कभी भी उसे एक तो कम ना मोड़ें। अगर ज़्यादा मोड़ते हैं ना कॉटन का जो ये बॉटम होता है उसको, बहुत अच्छा लुक आता है। पीको वगैरह ना करवाएं कभी भी इसके ऊपर। अब यहाँ से इसको पूरा ही हम एक साथ अटैच कर देंगे। अब दूसरा भी हम सेम मोड़ लेंगे, जैसे ये वाला मोड़ा है। अब दोनों मोड़ने के बाद और फिर हम क्या करेंगे कि अपनी जो बेल्ट है उसको सिलेंगे और नीचे से इसमें फिटिंग दे लेंगे। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे मोड़ने में प्रॉब्लम आए तो आप इस पे सुई से कच्चा कर लीजिए, या फिर एक सिंगल मोड़ के फिर डबल में मोड़ दीजिए, जैसे मैं आपको सिखाती हूँ अपनी वीडियोज़ में। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में सिखाया हुआ है कि जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है ऐसे मोड़ने में तो आप किस तरीके से मोड़ें। फिर तो यहाँ से वैसे कोई नहीं आती, थोड़ा सा संभाल के हम करते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए पहले मैंने इसको इस तरीके से मोड़ा और फिर ऐसे डबल मोड़ लिया। अगर छोटी मोटी प्लेट आती हैं तो वो अंदर ही आएंगी, वो बाहर नहीं दिखाई देंगी। अगर प्लेट आती है छोटी बड़ी तो आप ऐसे छोटी चुन्नट डाल के उसे अंदर की साइड ही आएगी, वो बाहर से आपका एकदम फिनिशिंग के साथ ही दिखेगा पूरा कपड़ा। अब दोनों मोड़ने के बाद अब ये हमारा बॉटम मोड़ गया। अब हम इसमें बेल्ट लगा लेते हैं, तो बेल्ट को हम इस तरीके से रख लेंगे उल्टा करके सीधी साइड को, और पूरे ही घेरे में जो कमर वाला घेरा है उसमें लगाएंगे। ये देखिए मैंने बेल्ट को पूरा सिंगल ही लगाया हुआ है। मोड़ने के बाद हमारी 2 इंच की रह जाएगी, ये जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक है उस हिसाब से आपको बेल्ट की चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ तक हम पूरे में इसको लगाते हुए ला रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा होगी उसको हम कट करके अलग कर देंगे इसमें से। तो देखिए ये हमारी यहाँ तक लग चुकी है, और पहले हम जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके सिल लेंगे इसको। तो जो एक्स्ट्रा बची हुई है यहाँ से उसको हम यहाँ से सिलाई करके और फिर मोड़ देंगे पूरा। ये देखिए अब मैं इसको लगभग 1.5 1/2 से लेके 2 2 इंच तक मोड़ रही हूँ, क्योंकि जितनी आपकी इलास्टिक की चौड़ाई है उस हिसाब से आप मोड़िए। तो ये देखिए अब मैंने उल्टी साइड को मोड़ दी है, जिस सीधी साइड को मैंने उल्टा करके इसको लगाया था। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, एक बार में ये पूरा मुड़ जाएगी। बस थोड़ा सा अंदर मोड़ना है और फिर बाहर की तरफ रखना है। ये देखिए अगर हम थोड़ा ध्यान से काम करते हैं धीमे से तो हमारा सब काम अच्छा होता है। ये देखिए बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी ये बेल्ट लग के आ रही है, कहीं पे भी कोई झोल नहीं आया। तो ऐसे ही इसको कंटिन्यू पूरा कर लेंगे, और थोड़ा सा लगभग 1 इंच के बराबर कपड़ा हम खुला छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ से हम बेल्ट को डालेंगे अंदर। तो देखिए इतना मैंने छोड़ दिया है कपड़ा। अब इसमें जैसे हम नाड़ा डालते हैं उस तरीके से इलास्टिक डाल के और साइड की फिटिंग दे लेंगे। तो देखिए ये घेरे वाला प्लाजो बन के तैयार है, सिर्फ 2 मीटर कपड़े से बना के हमने तैयार किया है। ये इसकी कढ़ाई वाली कुर्ती है जिसके गले पे पूरा हमारा वर्क है। आप कहें तो मैं कुर्ती का वीडियो भी आपके साथ शेयर कर लूँगी। प्लाजो की जो साइड की सिलाई होती है वो लगा के मैंने बस इसमें नॉर्मली नाड़े की तरह इलास्टिक डाल दी है। अपनी कमर से 3 इंच कम लेनी है इलास्टिक। अगर अच्छा लगे आपको प्लाजो का वीडियो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद आप सभी का।